guys, thank you so much for watching this video if you already are. I'm Sonal. Kaise hain aap log? So today I have again a bunch of questions for you all which I am going to answer. These are really common questions that an actor or an aspiring actor they have in mind. These questions basically are ki who are casting directors or exactly casting directors ka kaam kya hota hai? Do casting directors charge a registration fees or commission? Who are these coordinators? Who are these casting agencies? And do we have to pay anything before getting work? So these are the basic questions to hamesha dimag mein chalte rehte hain. Let's go. Casting director basically is a person jiska kaam hota hai to find out the suitable actor for the suitable character. ठीक है, जो कि ब्रीफ उनको डायरेक्टर से और प्रोडक्शन हाउस से मिला होता है, उसके बेसिस पे उनको एक करेक्ट एक्टर उस कैरेक्टर के लिए फाइंड आउट करना होता है. एंड देन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग बिगिन. कास्टिंग डायरेक्टर को एक प्रोडक्शन हाउस जो है वो हायर करता है फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एक्टर्स. ठीक है, प्रोडक्शन हाउस ही कास्टिंग डायरेक्टर को पे करता है. यू आर नॉट लायबल टू पे एनी थिंग टू द कास्टिंग डायरेक्टर इफ़ द कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्ट्स यू. सो ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर का जो पेमेंट है वो प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्टली आता है. एंड उनका काम क्या है कि वो आपको फाइनल करेंगे अगर तो दे विल टेल यू कि ये डिटेल्स हैं एंड देन यू हैव टू शूट एंड यू विल बी पेड बाय द प्रोडक्शन हाउस एंड द कास्टिंग डायरेक्टर विल ऑल्सो बी पेड बाय द प्रोडक्शन हाउस. दैट्स ऑल अबाउट कास्टिंग डायरेक्टर. एंड वेन वी टॉक अबाउट मनी एंड एवरीथिंग दैट्स ऑल प्रेटी मच. या सो सेकेंड जो है वो है कोऑर्डिनेटर्स. सो बेसिकली अब कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है? सो कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स, उनके पास बहुत सारे एक्टर्स का डेटा होता है. यू नो, हर तरह के एक्टर्स उनके पास होते हैं, उनके पास प्रॉपर प्रोफाइल्स होती हैं हर एक्टर की. एंड उनकी अच्छी खासी पहुँच होती है कास्टिंग डायरेक्टर्स से, प्रोडक्शन हाउसेस से, तो इन सब में उनकी पहचान होती है. तो वो क्या करते हैं कि आपसे बोलते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल भेजो. यू सेंड द प्रोफाइल, यू सेंड योर प्रोफाइल टू द यू नो कोऑर्डिनेटर. फिर वो क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल उनकी जहाँ जहाँ पहचान होती है, जो जो प्रोडक्शन हाउसेस के साथ वो काम कर रहे होते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर, तो वो आपकी प्रोफाइल उनके पास भेजते हैं. एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो दे कॉल यू फॉर द ऑडिशन. अब इसमें क्या होता है कि अगर उनके थ्रू आप फाइनल होते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, देन दे विल चार्ज अ कमीशन. ठीक है, कमीशन क्या होती है? बेसिकली काम दिलाने के लिए जो वो ऑब्वियसली वो जो उनकी फ़ी होती है. बट नाउ इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये कि वो पहले आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे. अगर वो आपको काम दिलाएंगे देन यू आर लायबल टू पे देम अ सर्टेन अमाउंट, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर पर डे और योर बजट. ठीक है, तो सपोज़ कि अगर उन्होंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिलाया एंड उस प्रोजेक्ट का कुछ भी बजट है एक्स वाई ज़ेड, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज ही आपको देना पड़ेगा. नाउ इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो. कुछ लोग होते हैं जो 10% लेते हैं, कुछ 20 लेते हैं, देन 25 ऐसा. सो नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि थोड़ा अगर नेगोशिएट करना है तो. बट दैट्स द थिंग. बट स्टार्टिंग में आप किसी को पे नहीं करोगे. अगर वो आपको काम दिलाएंगे देन ओनली यू आर लायबल टू पे देम अ कमीशन. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द कोऑर्डिनेटर्स. नाउ गाइस द थर्ड थिंग इज जो एजेंसीज होती हैं बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, वो आपको एनरोल करती हैं. तो वो दो तरह से करती हैं. एक तो वो एक्सक्लूसिवली कुछ लोगों को एनरोल करती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको कोई भी काम मिलेगा जब से आप उनके साथ एनरोल हुए हो जब तक के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए, उस बीच आपको जो भी काम मिलेगा आपको डायरेक्टली मिलता है, उनके थ्रू मिलता है, किसी फ्रेंड के थ्रू मिलता है या कैसे भी मिलता है, यू आर लायबल टू पे देम अ सर्टेन अमाउंट. एंड लेट मी टेल यू कि कोऑर्डिनेटर से ज़्यादा ये चार्ज करते हैं. और कभी कभी तो क्या होता है कि जो आपका बजट होता है वो खुद आपके अकाउंट में ही नहीं आता है, वो उनके अकाउंट में आता है. सो देन यू डोंट नो कि वॉट एग्जैक्टली द अमाउंट इज़, कि उन्होंने क्या चार्ज किया है और आपको क्या पे कर रहे हैं. सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इफ़ यू साइन अप विद दीज एजेंसीज. दूसरा क्या होता है, ये एजेंसीज कुछ लोगों को एज अ फ्रीलांसर भी अलाउ करती है उनके साथ काम करने के लिए. तो फिर अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि अगर उनके थ्रू काम मिलता है आपको देन इट्स ओके, दे विल चार्ज अ कमीशन. बट अगर आपको कहीं और एक्सटर्नल सोर्स से काम मिलता है देन यू आर नॉट लायबल टू पे देम एनीथिंग. बट अगेन उनके थ्रू जो काम मिलता है यू नो कि आपको कैसा क्या पे करेंगे. यू आर स्मार्ट इनफ, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो आपको, अगर आप किसी कास्टिंग एजेंसी के साथ रोल वो कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, देन यू विल हैव टू पे अटेंशन टू. अब बेसिकली देर इज नो टर्म एज सच के कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, बट लेट मी टेल यू कि क्या क्या होता है. कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के अलावा आपको कहीं बाहर काम दिलाते हैं, क्योंकि आपकी पहचान हो जाती है उस लेवल पे, है ना. एंड मे बी उस कास्टिंग डायरेक्टर के कुछ फ्रेंड्स या फेलो कास्टिंग डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं,
तो अगर वो आपको अपने पर्सनल काम के अलावा, मतलब अपने खुद के कास्टिंग प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और काम दिलाते हैं, देन दे माइट चार्ज अ कमीशन, एंड ये बहुत कम होता है, मतलब लिटरली बहुत कम होता है, ज़्यादातर नहीं होता, बहुत रेयर है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. बट गाइस, द बॉटम लाइन जो मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगी वो ये है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यू आर नॉट लायबल टू पे एनीबडी एनीथिंग, एनी अमाउंट, भले वो 500 रुपये हो या फिर 10,000 हो, आपको किसी को कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है. काम मिलने से पहले तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. जो कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, उनको पता होता है यार, वो आपसे फालतू में नहीं चार्ज करेंगे. जब आपका अमाउंट आ जाता है, एंड देन दे आस्क यू कि मेरा इतना परसेंटेज है, बट वो पहले से बताते हैं कि मैं इतना चार्ज करूँगा, मतलब पेमेंट आने के बाद नहीं बताते, पहले से ही फिक्स करते हैं. ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करो. किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, ये बताओ. जब तक आपको उन्होंने काम नहीं दिलाया, वो किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? दे कांट चार्ज यू एनीथिंग. और अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो, अगर किसी ने आपको अप्रोच किया है जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं, देन यू शुड आस्क देम कि आप किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो. एंड इन केस कभी कभी होता है कि क्यों किसी से बहसबाजी में पड़ना, जस्ट से दैट यू नो व्हाट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करना है. ठीक है, बहुत प्यार से पोलाइटली बोल दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डू दिस राइट नाउ, आई लेट यू नो इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स. तो पहली बात तो देयर इज़ नो वे कि कोई पूछेगा, पूछना ही नहीं चाहिए, ये गलत है. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, ताकि अब से कोई आपको इन सब चीज़ों के लिए अप्रोच करे कि पे अस द रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद हम आपको स्टार बना देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन फीस वो सिर्फ खुद के लिए लेते हैं, लोगों को उल्लू बनाने के लिए लेते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ दोज, यू आर स्मार्ट इनफ यार, मतलब ऐसे चीज़ों में फंसना मत कभी. एंड अगर आपको नहीं पता कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए या कैसे प्रोफाइल बनानी चाहिए, देन आई हैव ऑल दीज वीडियोस, यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइक इन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच इट सो दैट यू नो, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ही सब कुछ कर पाओगे. यू नो, आप खुद अपनी प्रोफाइल बना लोगे, खुद कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करोगे, यू कैन अप्रोच कोऑर्डिनेटर्स टू, क्योंकि कभी कभी हमारी इतनी पहचान नहीं होती है बट कोऑर्डिनेटर्स की होती है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो गाइस. So I hope you like this video. If you did, please share this with your friends, जो भी आपके एक्टर फ्रेंड्स हैं, because I know this would be really helpful to them. And share करो, subscribe करो चैनल को, जाओ, okay? And I'll see you super soon with another video. Thank you.